रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर मंगलवार को विधानसभा का घेराव करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स उखाड़ दिए और पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन से पानी की बौछार की। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने की। विरोध प्रदर्शन के लिए सुबह 9 बजे से ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर पहुंचना शुरू कर दिया था। प्रदर्शन में पार्टी के मोर्चा प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री भी सदन में अपनी बात रखेंगे। उस दौरान भी बीजेपी ने सदन में रीट मामले में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि रीट रद्द होने के बाद केंद्रीय एजेंसी सीबीआई से जांच की एक सूत्री मांग है। एसओजी की एक लिमिट है, प्रभावशाली लोगों पर वह कार्रवाई नहीं कर पा रही। प्रदेश कांग्रेस सरकार मान नहीं रही है। ये उन लाखों नौजवान बच्चों के लिए लड़ाई, मैं आपके मन को थोड़ा सा टटोलना चाहता हूँ। वो आपका भाई होगा, आपकी बच्ची होगी, आपकी बहन होगी, जो 2018 से नौकरी की चिंता कर रही थी और दिसंबर 19 से लेकर के रीट परीक्षा की भर्ती के फॉर्म भरे गए दिसंबर 19 और परीक्षा कब हो रही है सितंबर 21। थोड़ा विचार इसलिए करना जरूरी है दोस्तों कि परीक्षा में जितने बच्चे पास होंगे उनमें से केवल 16,000 बच्चों को नौकरी मिलेगी। परीक्षा दी है 26,00,000 बच्चों ने, इसका मतलब आपको समझ में आता है 0.5% 200 बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा। इतनी कठिन परीक्षा है और इस परीक्षा में अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।